हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज बच्चों हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे एप्स एंड मैमल, जो वर्टिब्रेट्स की क्लासेस हैं, सबसे एडवांस क्लासेस में आती है मैमल और उससे पहले आ जाता है एप्स। अभी तक हमने जो लास्ट क्लासेस पढ़ी थी उन क्लासेस में फिशेज जो थी, पाइसेस जो था वो एक्वेटिक लाइफ थी, फिर एम्फीबी आया जिसमें ड्यूअल नेचर थी और रेप्टीलिया जो आया वो टेरिस्टल लाइफ को शो करा। अब जो एप्स है ये एर्बोरियल लाइफ को शो करता है, इसमें एर्बोरियल लाइफ आ जाती है। तो एप्स का मीनिंग होता है बर्ड, ठीक है, इसको हम लोग नॉर्मली जो है इसका मीनिंग क्या निकलता है बर्ड, और ये एर्बोरियल लाइफ शो करते हैं, शो द एर्बोरियल लाइफ। वार्म ब्लडेड होते हैं ये, अभी तक हमने कोल्ड ब्लडेड पढ़ा था, अब ये क्या आता है वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड मतलब जिसमें कि क्या होता है टेम्परेचर उनका कांस्टेंट है, वार्म ब्लडेड एंड फोर चैम्बर हार्ट। अभी तक हमने उसमें टू चैम्बर और क्या पढ़ा था थ्री चैम्बर, लेकिन यहाँ पे अब कितने आ गए फोर चैम्बर, टू ऑरिकल एंड टू वेंट्रिकल्स। इसके अलावा जो बॉडी है इनकी वो स्ट्रीमलाइन शेप की होती है, जैसे हमने फिशेस में पढ़ी थी ना स्ट्रीमलाइन शेप, स्ट्रीमलाइन की शेप होती है बॉडी की। और बॉडी जो होती है वो डिवाइड होगी कितने, चार रीजन में, डिवाइडेड इनटू हेड, नेक, हेड नेक और ट्रंक आ जाएगा और टेल, ठीक है। तो ये चार रीजंस में इसकी बॉडी डिवाइड होती है। तो अब इसमें जो इनकी बॉडी है, बॉडी किससे कवर्ड होती है, फैदर से, बॉडी कवर्ड बाय फैदर फॉर इंसुलेशन, इंसुलेशन एंड सेव एनर्जी, क्योंकि इनको फ्लाई करना है तो फ्लाई करने के लिए इनको अपनी एनर्जी को सेव करना पड़ता है और हीट को सेव करना पड़ता है। तो इंसुलेशन जो है फैदर्स इसको इंसुलेशन से बचाता है, हीट से बचाता है, इंसुलेट करता है, जिससे कि उसकी हीट जो है वो बाहर नहीं जा पाती है, तो वो अंदर ही उसके कंजर्व होती रहती है और उसको फायदा मिलता है फ्लाई करने में। तो ये इसका एक एडेप्टेशन है किसके लिए, फ्लाइंग के लिए। एक तो ये अडेप्टेशन है, एक स्टेम लाइन शेप जो होती है बॉडी की, ये दो पॉइंट इसके अडेप्टेशन के हैं। इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि एप्स के अडेप्टेशन लिखिए, तो एप जो है फ्लाइंग के लिए क्यों अडेप्टेड है उसके वो पॉइंट्स लिखिए, तो स्टेम लाइन शेप और एक ही हो गया सेकेंड। थर्ड पॉइंट इसमें आ जाता है कि जो इसके फोर लिम्स होते हैं, हिंड लिम्स और फोर लिम्स, हिंड लिम्स होते हैं पीछे वाले, फोर लिम्स होते हैं आगे वाले, तो फोर लिम्स जो है वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, इसके विंग्स में, फोर लिम्स कन्वर्ट इनटू विंग्स फॉर फ्लाइट, ठीक है। तो ये यहां पे हो गया फोर लिम्स किस में कन्वर्ट हो गए, क्या नाम है, विंग्स में। और इसके अलावा इनमें जो है टीथ एब्सेंट होते हैं और जॉज प्रेजेंट होते हैं, बीक होती है, लेकिन इसमें जो जॉज हैं वो बीक में कन्वर्ट हो जाते हैं और टीथ क्या होते हैं इसमें एब्सेंट। जो बीक की शेप होती है वो डिफरेंट बर्ड की डिफरेंट होती है, उनकी फूड हैबिटेट के अकॉर्डिंग, उनकी जो बीक का शेप और साइज होता है वो उनके फूड हैबिटेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का फूड खाते हैं, सॉफ्ट खाते हैं, सीड्स खा रहे हैं, या इंसेक्टिवर है, या वुड पिकर वुड को खा रहे हैं, हार्ड ऑब्जेक्ट को खा रहे हैं, तो वो उसके ऊपर डिपेंड कर जाता है फूड हैबिटेट के ऊपर। तो इसमें क्या हो गया बीक प्रेजेंट बट टीथ एब्सेंट। ओविपेरस होते हैं, ओविपेरस होते हैं बट इनका जो एग होता है वो योकी होता है, यॉक प्रेजेंट होता है, हेन के एग खाने में यूज होते हैं ना, तो इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें यॉक प्रेजेंट है, तो ओविपेरस होता है ये। और इसके अलावा जो एक्सक्रीट है वो इसका सेमी सॉलिड यूरिन होता है, यानी कि इसका जो एक्सक्रीट है वो यूरिक एसिड होता है। और इसमें जो रेस्पिरेशन होगा, रेस्पिरेशन
रेस्पिरेशन बाय लंग्स. रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा? लंग्स के थ्रू. तो ये थे इसमें इसके क्या है स्पेशल पॉइंट है. अब हाँ एक और पॉइंट है क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनकी जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं. हॉलो होने की वजह से उनमें एयर भरी हुई होती है, एयर कैविटीज होती हैं, और वेट में क्या हो जाती है लाइट, जिसकी वजह से उन ये एक मेन एडेप्टेशन है उनके फ्लाइंग करने के लिए. तो इसमें देखो एक एडेप्टेशन, सेकेंड एडेप्टेशन, एक थर्ड एडेप्टेशन और एक फोर्थ एडेप्टेशन मैंने बताया कि इनकी जो बोन्स होती हैं वो हॉलो होती हैं, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट होती है एयर कैविटीज. ठीक है, तो बोन्स आर हॉलो, स्पॉन्जी, लाइट एंड विद एयर कैविटीज. ठीक है, ये इस टाइप की बोन्स होती हैं. तो ये चार एडेप्टेशन होते हैं इनके अंदर. इन चार एडेप्टेशन के थ्रू इनमें ये इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि इसके एडेप्टेशन लिखिए. ठीक है, तो स्टेम लाइन शेप, फोर लिम्स, बॉडी कवर्ड बाय फेदर एंड बोन्स आर हॉलो, स्पॉन्जी एंड लाइट इन वेट. अगर किसी क्वेश्चन में ये बोला जाए, जैसे मान लो एक फिश का एग्जाम्पल दे दें, एक बर्ड का एग्जाम्पल दे दें, कि दोनों की स्टेम लाइन शेप है तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आप क्या डिफरेंस देंगे कि जो एप्स है यानी कि जो बर्ड का नाम होगा, दोनों की शेप स्टेम लाइन है, पर डिफरेंस तो बहुत है. वो एक्वेटिक लाइफ शो कर रही है, ये एर्बोरियल लाइफ शो कर रहा है. इसमें फैदर्स हैं, विंग्स हैं, बीक है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है. वो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है, उसके अंदर टू चैम्बर हार्ट है. इसके अंदर कितने चैम्बर हार्ट है? फोर चैम्बर. तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है ट्विस्ट करके क्वेश्चन दे देते हैं. तो आपको करेक्टर्स अगर आपको याद हैं तो आप इजीली उनके जो उनको समझ के क्वेश्चंस को आंसर दे सकते हो. तो आपको इसका इसके लिए आपको जो है इन पॉइंट्स को क्लियर करना पड़ेगा, अपना अपने माइंड में कंसेप्ट को क्लियर रखना पड़ेगा कि किसमें क्या फीचर्स इंपॉर्टेंट आ रहा है और किसके लिए आ रहा है. तो अब इसमें एग्जाम्पल्स देते हैं. तो जितने भी ऑलमोस्ट बर्ड हैं वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं. तो इसमें एग्जाम्पल्स मैं यहाँ लिख रही हूँ. साइंटिफिक नेम भी आते हैं इसमें. सबसे छोटा जो बर्ड है वो होती है हमिंग बर्ड, और सबसे जो लार्जेस्ट है वो होता है ऑस्ट्रिच. इसका साइंटिफिक नेम पूछा जाता है एग्जाम्स में, स्ट्रूथियो कैमिलस. इंपॉर्टेंट है स्ट्रूथियो कैमिलस. ठीक है, एक तो ये हो गया. सेकेंड एग्जाम्पल पीकॉक, जिसका साइंटिफिक नेम है पावो. ये भी इंपॉर्टेंट है. बाकी पिजन है, पैरट है, क्रो है, ये सारे एग्जाम्पल्स आते ही आते हैं. इसके अलावा ऑस्ट्रिच हो गया, पीकॉक हो गया, इनके साइंटिफिक नेम आते हैं एग्जाम में. और एक है वाइट स्टॉर्क, सिकोनिया सिकोनिया. थर्ड एग्जाम्पल सिकोनिया. ठीक है, ये इसका साइंटिफिक नेम है वाइट स्टॉर्क, वाइट स्टॉर्क. ठीक है, तो ये इसके तीन एग्जांपल हो गए. तीनों के साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है, मोस्टली ऑस्ट्रिच एंड पीकॉक. इन दोनों के ज्यादा क्वेश्चन पुटअप होते हैं. और एक है मेल टफ्टेड डक. मेल टफ्टेड डक एक ही एग्जांपल ले लेते हैं इसका. ठीक है, और इसका साइंटिफिक नेम है आइथिया फलिगुला. ठीक है, तो ये चार एग्जांपल हो गए इसके और ये फीचर्स. अब हम लेते हैं यहां पे नेक्स्ट क्लास मैमल. तो मैमल जो होते हैं, मैमल सबसे एडवांस ग्रुप है, और इसका मतलब मैमा का मतलब होता है ब्रेस्ट. तो ब्रेस्ट जिनमें प्रेजेंट होती है उन मैमल्स को हम लोग क्या बोलते हैं?
उन ऑर्गेनिज्म को हम किसमें रखते हैं, मैमल्स में, तो इसका मीनिंग होता है ब्रेस्ट। और ये भी जो है वार्म ब्लडेड हो गए, वार्म ब्लडेड, फोर चैम्बर हर्ट हो गया, और इसमें जो है इनका जो एक्सक्रीट है वो यूरिया होता है, एक्सक्रीट यूरिया, रेस्पिरेशन बाय लंग्स, ठीक है। अब इसके अंदर अभी हमने जो एम्फीबिया या रेप्टिलिया पढ़ा था उसमें बताया था कि हमने टिम्पेनम प्रेजेंट होता है, टिम्पेनम यानी कि इंटरनल ईयर, लेकिन यहाँ पे इसका मैमल का यूनिक फीचर है कि इसमें एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट होता है, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट, ठीक है। अब इसके अलावा इनकी बॉडी पे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, बॉडी पे क्या प्रेजेंट होंगे इनके, हेयर्स, है ना, और हेयर्स है, बाकी वो होती हैं स्वेट ग्लैंड होती है ना, ये भी इसमें प्रेजेंट होती हैं, ऑयल ग्लैंड होती हैं, हेयर्स प्रेजेंट ऑन अ बॉडी, और इसके अलावा ऑयल ग्लैंड प्रेजेंट है, वैक्स ग्लैंड प्रेजेंट होती है ना, ये ग्लैंड इसके अंदर क्या होती हैं, प्रेजेंट, कौन कौन सी, ऑयल ग्लैंड, वैक्स ग्लैंड, और एक ग्लैंड और है वो हो गई स्वेट ग्लैंड, ठीक है। तो अब इसका मेन फीचर जिसकी वजह से इसको मैमल बोला जाता है, इनके अंदर फीमेल जो होती हैं मिल्क प्रोड्यूसिंग होती हैं, यानी कि उनमें मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, फीमेल्स आर मिल्क प्रोड्यूसिंग, फीमेल्स हैव मिल्क प्रोड्यूसिंग मैमरी ग्लैंड, मैमरी ग्लैंड जो इसका यूनिक फीचर है। यहाँ पे क्योंकि एव्स के अंदर भी पेरेंटल केयर स्टार्ट हो जाती है, लेकिन पूरी तरीके से जो सोशल लाइफ है या पेरेंटल केयर है वो किस में आती है, मैमल के अंदर। तो मैमल जो है एव्स भी अपने बच्चों को फीड करता है, केयर करता है, उसको फूड प्रोवाइड कराता है, लेकिन मैमल के अंदर अपनी बॉडी के अंदर इस तरह की कैपेबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को क्या कर सकता है, फिर नरिशमेंट दे सकता है। तो उनके अंदर फीमेल के अंदर मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं जो उसको नरिशमेंट देती हैं, मेल के अंदर भी होती हैं बट वो वेस्टिगल हो गई हैं, वो वर्क नहीं करती हैं स्पेशली ह्यूमन के अंदर। तो फीमेल में मैमरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, इसके अलावा ये विवीपैरस होते हैं, विवीपैरस ये यंग वन प्रोड्यूस करते हैं, अभी तक हमने ओवीपैरस देखे थे ना, ये क्या है, विवीपैरस है, इनमें जो है क्या क्या होता है, यंग वन प्रोड्यूस करते हैं ये, और इसमें जो है बाकी पेंटाटेक्टाइल लिम्स होते हैं, पेंटाटेक्टाइल लिम्स, पेंटाटेक्टाइल लिम्स, हिंड लिम्स और फोर लिम्स, यानी कि लेग्स और हैंड्स, ये हमारे पेंटाडेक्टाइल लिम्स हो गए, फिंगर्स हैं फाइव, तो ये लिम्स में आ जाती है, पेंटाडेक्टाइल लिम्स हो गए, तो फाइव फिंगर्स वाले लिम्स प्रेजेंट है हमारी बॉडी के अंदर, जो उसको क्या कर रहे हैं, ग्रास्पिंग पावर, वॉकिंग पावर, स्विमिंग पावर, हर चीज के लिए कैपेबल बना देती है उनको। तो इस तरीके से ये यहाँ पे मैमल का, और एक चीज और लिख देती हूँ, पेरेंटल केयर, पेरेंटल केयर आर डेवलप्ड। ये इसके यूनिक प्रॉपर्टीज हैं। अब इस पे जो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला एक्सक्रीशन यूरिया है, वार्म ब्लडेड है, फोर चैम्बर्ड है ना, एक्सटर्नल ईयर प्रेजेंट है, हेयर्स प्रेजेंट है बॉडी पे, इसमें देखिए ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, कौन, देखिए कितनी सारी है, मैमरी ग्लैंड है,
वैक्स ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, ऑयल ग्लैंड है और विविपैरस है। ये इसके लगभग यूनिक प्रॉपर्टीज है, यूनिक करेक्टर्स है जिसके बेसिस पर इसको मैमल बोला जा रहा है। तो अब सपोज करिए क्वेश्चन आता है, इसमें जो एग्जाम्पल हम लेते हैं वो एक तो हो गया जैसे एग्जाम्पल, हाँ तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल दे रहे हैं बैट, ह्यूमन, कैट, रैट, हॉर्स, इसके अलावा एलिफेंट है, कंगारू है, लायन है, टाइगर है, पैंथर है, ये सारे जो हैं इसी में क्या आ गए, इसके एग्जाम्पल्स हो गए, राइनोसॉर्स हो गया। अब इसमें एक चीज और है कि जो विविपैरस मैंने बताया है कि मैमल्स विविपैरस होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन भी है। इसमें किसका एक्सेप्शन है, इकाइडना, एक्सेप्ट इकाइडना एंड प्लेटिपस, ये जो हैं दोनों ये क्या हैं, ओविपैरस हैं, ठीक है, ये ओविपैरस मैमल्स होते हैं, मैमल हैं। और जो कंगारू होते हैं वो भी होते तो मैमल ही हैं, यंग वन प्रोड्यूस करते हैं लेकिन इमेच्योर डेवलप करते हैं वो लोग, बाद में उनका मैच्योर होता है बेबी वो। तो ये, और इसके अलावा इस पे क्वेश्चन पुटअप होता है बैट के ऊपर, बैट में विंग प्रेजेंट होते हैं, है ना, तो उसको ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें विंग्स होने के बावजूद ये फ्लाई करने के करता है लेकिन एप्स में क्यों नहीं है, मैमल में क्यों नहीं है। तो आप उसके सिर्फ 3 पॉइंट्स में आंसर दे सकते हो, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर्स, प्रेजेंस ऑफ बॉडी हेयर एंड प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड, 3 पॉइंट, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल ईयर, प्रेजेंस ऑफ बॉडी हेयर एंड प्रेजेंस ऑफ मैमरी ग्लैंड, इन 3 रीजंस के बेसिस पे आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसकी कैटेगरी में रख सकते हो, मैमल की। तो अगर क्वेश्चन किसी भी तरीके से इस पे बेसिस इस तरह से आते हैं तो आपको बस ये उनके करेक्टर्स ध्यान रखने होंगे कि उनमें क्या करेक्टर्स शो होते हैं, अगर वो करेक्टर्स आपको याद हैं तो आप इजिली उसका फाइलम आइडेंटिफाई कर सकते हो, फाइलम आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्लास आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ क्लासेस पढ़ रहे थे तो क्लास आ गया, अदरवाइज कोई और फाइलम लेते हो तो उसका करेक्टरिस्टिक फीचर लेके उसका फाइलम आइडेंटिफाई कर सकता है। यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर फिर आऊंगी मैं आपके पास, तो तब तक के लिए बाय बाय।